गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। PBR स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपकी DLED सेकेंड सेमेस्टर की एक प्रकार से पहली क्लास होगी। वैसे है तो ये दूसरी क्लास, लेकिन पहली क्लास में हम लोगों ने केवल और केवल सिलेबस देखा था, तो आज से हमारी पढ़ाई स्टार्ट होगी DLED का सेकेंड सेमेस्टर। आप लोग अगर पहली बार जुड़े हैं तो बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्लास को मत छोड़ना। पूर्णांक लाने की जिम्मेदारी हमारी होगी, बस आपको केवल क्लास पढ़ना होगा। हमने अभी दिखाया था आपको DLED का, DLED के जो भी स्टूडेंट्स PBR स्टडी में जुड़े हैं वो 25 में 25 नंबर लाए हुए हैं। हाँ, बिल्कुल विश्वास नहीं होगा तो बताना। मैथ में भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, इसके बारे में देख लेना, उसके बाद आपको यकीन हो जाएगा। देखिए, इसको इंग्लिश में आप लोग फैक्टोरियल नंबर बोल सकते हैं, या फिर इसे कंपाउंड नंबर भी बोल सकते हैं। अभाज्य को इंग्लिश में प्राइम नंबर बोला जाता है, मतलब समझना दोनों का। देखिए, कोई भी नंबर जो एक से, खुद से और बाकी किसी भी एक नंबर से कट जाए वो क्या कहलाता है, भाज्य नंबर या भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर तीन भाज्य है, नहीं है, तीन अभाज्य है, तीन गलत होगा, चार, छः, नौ, बारह, चौदह। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि जो सम संख्याएं हैं वही भाज्य हैं, ऐसा नहीं है, दो सम संख्या लेकिन दो अभाज्य है। ये लो देखो, 18, 21, 24, 25, ये तो हमने सभी लिख रहा है ना, यहाँ पर लिख रहे हैं 24, 25 भी, तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी। छोड़ के मत जाना, अभी सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे हमने ले लिया 9 और एक संख्या ले लिया 11, ध्यान से देखना, ये बात हो रही किसकी किसकी, एक बात होगी भाज्य की, एक बात होगी अभाज्य की। इसको हम आपको दिखाते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन उसके पहले इधर भी एग्जांपल देख लेना, अभाज्य का देख लेना। अभाज्य मतलब जैसे 2, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29, 31, 39 ना होगा, 37, 41, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य मतलब जो किसी से भी ना कटे, किसी से मतलब एक से तो कटेगा ही, खुद से भी कटेगा, चूँकि किसी का भी लड़का हो या लड़की हो, कितना भी ख़राब हो, कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन अपने माँ बाप के लिए बहुत प्यारा होता है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। उसी तरह से क्या है, ये जो अभाज्य संख्याएं होती हैं किसी से नहीं कटती हैं, इनका किसी से नहीं बनता है, लेकिन खुद से तो बनेगा ही ना। तो उस तरह से क्या होता है, जैसे हमने ले लिया 31 किसी भी और संख्या से तो नहीं कटेगी ना, एक से कटेगी, दो से ना कटेगी, 3, 5, 8, 12 किसी से नहीं कटेगी, लेकिन ये एक से कटेगी और एक खुद से कटेगी, मतलब ये दोनों इनके माँ बाप हैं। जैसे हमने ले लिया 23, कटने का मतलब यहाँ पर पूर्णतः विभाजित हो, ये 23 किससे कटेगा, एक से कटेगा और 23 से भी कटेगा। तो ये तो आपने थोड़ा सा समझा हल्के में, अभी हम चलते हैं गहराइयों में, और आप भी चलना साथ में, क्लास को छोड़ के मत जाना, साथ में रहना तो पक्का आएगा, बस देखते रहना। देखिए आगे हम आपको क्या दिखाने वाले हैं, एकदम पोस्टमार्टम करके दिखाने वाले हैं। इधर हम बात करेंगे भाज्य की, इधर बात करेंगे अभाज्य की। जिंदगी में कभी ना भूलोगे अगर क्लास छोड़ के नहीं जाओगे आज, तो याद रखना। जैसे हमने ले लिया 9, अभी डेफिनेशन भी लिखवा देंगे, परिभाषा, 9 को भाग करके देख लो, एक से कट जाएगा पूरी तरह से, 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा। कटने का मतलब ये है, इधर देखो, एक का भाग दोगे 9 बार जाएगा, ये देखो 0 आया, 9 में 3 का भाग करोगे, ये देखो 0 आया, और 9 में जब 9 का भाग करोगे, ये देखो 0 आया। बाकी कोई नंबर है जिसको ऐसे भाग करें तो 0 आए, 9 में नहीं है, अगर है तो बता देना। इधर ले लो 11, एक से कटेगा 11 से कटेगा, देखना, बिना देखे नहीं मजा आता है। एक से भाग करोगे एक आएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर एक बार जाएगा एक आएगा, 0 आएगा, पूरा नियम कानून के साथ चल रहा है। 11 में अगर आप 11 का भाग करोगे, ये देखो 11 आया, 0 आया ना। क्या कोई ऐसी संख्या है जिसको अगर हम भाग करें 11 में जिससे तो 0 आए, है कोई? जैसे एक से भाग किया 11 से किया तो 0 आया, फाइनल में वैसे 0 आ जाए, जल्दी से बताओ, है कोई ऐसे अनु? नहीं ना। तो अब यहाँ तो जरा आंख बंद करके सोचिए, इसमें उसमें क्या अंतर आया? ये अंतर आया, ये तो एक है, ये भाई सबकी तरफ रहता है, सार्वजनिक है ये, इसकी परिभाषा कुछ ऐसे बन रही है कि वो संख्याएं
इसको जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें या वीडियो को रोक करके लिखें जल्दी से, क्योंकि मिटाने चल रहे हैं, परिभाषा बताएंगे। हो गया। वो संख्याएं जो एक से कटे खुद से कटे, मतलब स्वयं उसी संख्या से कटे, बाकी किसी और भी एक संख्या से कटे, वो भाज्य संख्याएं कहलाती है। मतलब वो संख्या जो एक से कटे, खुद से कटे, बाकी किसी और एक संख्या से कटे, वो भाज्य संख्या कहलाती है। इसका उल्टा, वो संख्या जो एक से कटे, खुद से कटे, बाकी किसी से भी ना कटे, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। फिर से सुन लो एक बार। वो संख्या जो एक से कटे, खुद से कटे, बाकी और किसी भी संख्या से ना कटे, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये लो, बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं हैरान परेशान, जो खुद से कटती हैं, बाकी किसी से नहीं बनती उनकी, ठीक ना। तो ये भाज्य अभाज्य आप लोग समझ गए हो। अब इसमें हम आपको कुछ एग्जांपल दे दे रहे हैं घर के लिए, उनको आप लोग जल्दी से नोट कर लो और छाट के लेके आना कि कौन भाज्य है कौन अभाज्य है, क्योंकि होमवर्क करना बहुत बड़ी बात होती है। अगर होमवर्क नहीं करोगे ना तो ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाओगे, तो दुनिया बहुत आगे जा रही है, आप पीछे मत रह जाओ। जल्दी से लिखो इसमें से भाज्य और अभाज्य छांट के लेके आना, ठीक ना। तो चलो फटाफट लग जाओ लाइन पर, नोट करना शुरू कर दो। और जो ना करेगा ना वो बहुत बेवकूफ़ लड़का या लड़की होगी, याद रखना। इसलिए सभी लोग होमवर्क ज़रूर करेंगे। हाँ, जिनके पास टाइम नहीं मिलेगा उनसे माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं, तो अपना काम पहले करेंगे। जल्दी जल्दी नोट करिए, फटाफट इसको लिखते जाइए। यार मैं क्या लिखूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी तो लिख देता हूँ यहाँ पर, आप लोगों को भाग करना है, मेरा क्या जाता है ना। इसमें से बताना कौन सी संख्याएँ भाज्य हैं और कौन सी अभाज्य हैं। हर एक सवाल को करना, इसमें एक भी सवाल को मिस मत करना, मतलब छोड़ना मत, वही इनमें छांटना है आपको, भाज्य और अभाज्य निकालना है, ढूंढ ढूंढ कर कौन अभाज्य है कौन भाज्य है कुछ ना कुछ तो भाज्य भाज्य है ही ना, ठीक ना। तो ये हो गया होमवर्क आपका। अब हम चलेंगे थोड़ा सा और भी आगे। आगे देखिएगा, तीन महाशय आपके सामने हैं, समापवर्त, समापवर्तक और अपवर्तक। इनसे हम आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन उसके पहले ध्यान से समझना, पहले हम बात करेंगे समापवर्त की बारे में। कॉमन मल्टीपल क्या होता है, इसको ऐसे समझ लेना, जैसे अगर कोई है कोई क्या जो अक्सर आप लोग यूज करते हैं, सोहन, ठीक है, सोहन है और सोहन के दो लड़के हैं, मतलब बेटे और बेटियां हैं। मान लेते हैं एक रवि है और एक कौन सा है, किरण है। अब ध्यान से समझना मैं बताने क्या वाला हूँ, नहीं सोचोगे रवि किशन का लिख रहे हो, ये किशन नहीं मतलब किरण लिखा है, रवि और किरण, और ये क्या है, सोहन है। सोहन क्या है, इन दोनों के डैडी हैं, मतलब पिताजी हैं, ठीक ना। उसी तरह से समझना, यहाँ पर हमने क्या लिखा 27 और यहाँ पर लिखा है 3 और यहाँ पर क्या लिखा 9, मतलब समझना। अब आप लोग, हम बात कर रहे हैं समापवर्त के बारे में। कॉमन मल्टीपल मतलब वो संख्या अथवा नंबर जो दो या दो से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, वो कॉमन मल्टीपल यानी कि समापवर्त कहलाता है। यानी कि जो सोहन है वो क्या है, रवि और किशन किरण दोनों के लिए क्या है, समापवर्त है। मतलब समझ गए होंगे ना, याद रखना, कभी भूलोगे नहीं लाइफ में अगर इसको याद रखोगे तो। अरे खुद को ले लेना, आपके अपने मम्मी पापा को यहाँ पे करके भाई बहन को कर लेना, मतलब समझ में आया ना। यानी कि 9 से भी कटेगा 27, 3 से भी कटेगा और ये 27 से भी कटेगा। यानी कि अब आप इसे ऐसा कह सकते हो कि 27 जो है वो क्या है, 27 इन सभी का समापवर्त है, ठीक ना। 27 क्या है, इन सभी का समापवर्त है। 27 3 का भी समापवर्त है, 27 9 का भी समापवर्त है, 27 का भी समापवर्त है। जैसे सोहन रवि का भी पिता है, सोहन किरण का भी पिता है, अगर यहाँ पे कोई एक और हो जाए, इसके एक और लड़का बच्चा, तो क्या होगा, उसका भी पिता होगा। मतलब समझ गए ना, ये होता है समापवर्त। इसका परिभाषा लिख लेना, वो संख्या अथवा नंबर, यानी कि वह संख्या अथवा व्यंजक लिख सकते हो, जो दो या दो से अधिक संख्याओं
अथवा व्यंजकों से पूर्णतः विभाजित हो वो क्या कहलाता है? समापवर्त कहलाता है। अब बात करते हैं अपवर्तक की। अपवर्तक मतलब डिवीजर। देखिए इसको इंग्लिश में आप लोग समझ लीजिएगा, हमने लिखा हुआ है, बाकी ज़्यादा इंग्लिश में हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हिंदी की क्लास चल रही है। तो अपवर्तक और समापवर्तक ये दोनों एक ही वर्ड है, ज़रा ध्यान से देखना इनको। समापवर्तक, समापवर्तक लिखिए ज़रा सोच सोच के। समापवर्तक, सम अपवर्तक, जिन लोगों को हिंदी का ज्ञान है वो बताएंगे ज़रा। सम अपवर्तक लिखा हमने समापवर्तक को, तो क्या ये विच्छेद सही किया है कि नहीं, संधि का सही होगा या नहीं होगा, हमारे समझ से सही है। कहने का मतलब ये है कि सम हो और अपवर्तक हो मतलब वही समापवर्तक कहलाता है, और अपवर्तक अकेले अकेले कुछ लोगों को देख करके कि इसका इंग्लिश तो अलग है, इसका इंग्लिश अलग है, तो फैक्टर या डिविजर मतलब एक ही होता है, ठीक ना। तो इसमें अगर आप अपवर्तक समझ लोगे तो समापवर्तक खुद ही समझ ले जाओगे। कैसे? देखिए मासा जब निकालते हैं, HCF निकालते हैं, तो वहाँ हम समापवर्तक की बात करते हैं, क्योंकि HCF या LCM हमेशा दो संख्याओं में होता है, अकेले नहीं होता है, तो इसलिए वहाँ समापवर्तक की बात करते हैं। अगर किसी एक नंबर की बात करें, कोई एक संख्या की बात करें, तो वहाँ पर क्या बात करेंगे हम? अपवर्तक की बात करेंगे। तो ज़रा अपवर्तक देखना, इसका कहने का मतलब क्या है हमारा, उसको देखना। देखिए अपवर्तक, अपवर्तक पहले समझ लेना, परिभाषा हम लिखवा देंगे, इसे आप डिवीजर या फैक्टर बोल सकते हो। जैसे हमने लिखा 12, तो 12 किससे किससे कट सकती है, संभावना कौन कौन से नंबर से कटने की है। एक से पूरा पूरा कट जाएगा, दो से कट जाएगा, तीन से कट जाएगा, चार से कट जाएगा, छः से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा। मतलब कि ये सभी क्या हैं? 12 के अपवर्तक हैं। 12 के क्या हैं? अपवर्तक हैं। उस तरह से अगर आप दूसरा नंबर ले लो 18, तो 18 के अपवर्तक हो जाएंगे 1, 2, 3, 6, 9 और 18। ये सभी क्या हैं? 18 के अपवर्तक हैं। यानी कि अब आप ऐसे कह सकते हो, इसका डेफिनेशन यानी कि परिभाषा आप खुद से बना के लिख सकते हो ना, हो जाएगा कि नहीं बनेगा। इसे आप गुणनखंड भी बोल सकते हो एक प्रकार से, गुणनखंड या अपवर्तक या फैक्टर। इसे आप परिभाषा के रूप में ऐसे लिखेंगे, वो संख्याएं जिनसे कोई संख्या पूरी पूरी कट जाए वो उस संख्या का अपवर्तक कहलाती है, ठीक ना। यानी कि वो सभी संख्याएं जिनसे कोई संख्या पूरा पूरा कट जाए वो उस संख्या की क्या है? अपवर्तक है। जैसे 12 का अपवर्तक क्या है? 2 है, 1 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12, ये सभी क्या अपवर्तक है, समझ गए ना। अब हम आपको समझा देते हैं समापवर्तक क्या होता है। देखिए समापवर्तक का मतलब समझना यहाँ पर साथियों, समापवर्तक जैसे हमने दो नंबर लिया, दोनों के अपवर्तक निकाल दिया, अब समापवर्तक का मतलब ये होता है, समापवर्तक का मतलब ये हुआ कि सम अपवर्तक दोनों में जो तो समान हो, ये 1, दोनों में जो समान हो 2, अरे इसको काहे घेर रहे हो, दिमाग लग रहा है ढील हो रहा है का, और कौन मिल रहा है दोनों में? 3, 4 मिल रहा है? नहीं, 6, और कौन मिल रहा है? 9, नहीं, 12, ना, बस इतना ही। मतलब समझना, ये सभी 1, 2, 3 और 6 क्या हैं? ये 12 और 18 के समापवर्तक हैं। समापवर्तक कभी एक संख्या के लिए नहीं होता है, ये दो या दो से अधिक संख्याओं के लिए होता है, लेकिन अपवर्तक हमेशा एक संख्या के लिए होता है, समझ गए ना। आपने पढ़ा होगा महत्तम समापवर्तक, सुना है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है बड़ा सा बड़ा अपवर्तक दोनों संख्याओं का जो एक कॉमन हो, तो उसमें क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी अगर हम यहाँ HCF की बात करें, मासा की बात करें, तो 12 और 18 का मासा 6 आ गया। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा कि ये तो सभी मासा हो सकते हैं, 2, 3, 1 सब हो सकते हैं ना मासा, लेकिन महत्तम समापवर्तक मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी संख्या। इन सब में सबसे बड़ा कौन है बताओ? 1, 2, 3, 6 में सबसे बड़ा कौन है? 6 ही तो है ना, इसलिए 6 होता है। बाकी अगर समापवर्तक की बात करें
तो 12 एंड 18 का समापवर्तक ये सभी हैं, 2, 3, 6 सभी क्या है, समापवर्तक हैं, सभी इसके कॉमन फैक्टर हैं, लेकिन हाईएस्ट नहीं है, केवल हाईएस्ट की बात करते हैं। तब हम लोग जब HCF निकालते हैं यानी कि मासा निकालते हैं तो 6 आता है। ये तीनों वर्ड का आपने पोस्टमार्टम देख लिया, बिल्कुल एकदम चीरफाड़ करके कहाँ से आता है, कैसे आता है, क्यों आता है, सब देख लिया ना। अब कभी दोबारा मत पूछना, क्लास को दोबारा से देखना, दोस्तों में भी शेयर करना जिससे और कोई सीख सके आपसे। आज की ये क्लास यहीं पर ख़त्म होगी, लेकिन जाते जाते एक बात को याद रखना, अगर आप हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करते हैं तो आप 70% पेमेंट वाली क्लास को वहाँ पर फ्री देख सकते हैं, क्योंकि आपकी PVR स्टडी की सारी क्लासें यूट्यूब पर फ्री नहीं होती हैं। दूसरी बात आपको बता दें, यूट्यूब पर आप हमें बिल्कुल फ्री में सारी क्लासें देख सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। जो लोग स्पेशल सुविधाएं चाहते हैं, व्हाट्सएप पर सारी क्लास चाहते हैं, जितनी भी क्लास है सभी क्लास को व्हाट्सएप पर चाहते हैं, तो उन लोगों को 549 का पेमेंट करना होगा पूरे सेमेस्टर के लिए, सिर्फ एक ही बार करना होगा, और वो फिर पूरी सभी क्लास को व्हाट्सएप पर पा सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर आपको खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, कभी मिलती कभी नहीं मिलती है, इन समस्याओं से निजात आप लोग पा सकते हैं। ये आपके हेल्प के लिए नंबर दिया गया, 24 घंटे आप व्हाट्सएप पे चैटिंग कर सकते हैं, और कॉल करने के लिए सुबह 10 से शाम 6 के बीच आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, कैसी लगी आपको ये क्लास ज़रूर बताना, और अगर समझ में आया तो लाइक करके जाना, बिना लाइक किए मत जाना, और दोस्तों में भी शेयर कर देना व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम जहाँ भी हो सके, जिससे कि कोई और भी सीख सके। तो चलते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इन्हीं बातों के साथ फिर से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 5 बजे से देखिएगा जीरो लेवल बेसिक मैथ इसके जस्ट बाद में, और हाँ सुबह 8 बजे से कक्षा 10 की NCERT मैथ। अब आपकी लगभग क्लासों को सुबह कर दिया गया शाम से, अपने विचारों को कमेंट करना आपको कैसा महसूस हो रहा है। जय हिंद जय भारत, अगली क्लास के लिए इंतज़ार करिएगा, अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 5 बजे से होगी, और उसके बाद अगली क्लास होगी मैथ की सुबह 8 बजे से। स्पेशल मैथ के लिए PVR स्टडी को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, कुछ ना आता होगा फिर भी हम आपको मैथ में हीरो बना देंगे, यकीन ना हो तो देखना।